ओके तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास ये आगे में हमारे पास टॉपिक है एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन। हम इस एटमोस्फेयर में रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर गैसेस हैं और हर एक गैस का जो मीडियम अलग अलग होता है, कोई काफी घना होता है, कोई काफी कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते से चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है घटते चला जाता है, ठीक है। मतलब हर जगह जो है मीडियम सेम नहीं है। जैसे हम नीचे ये अर्थ सरफेस पर हम जब रहते हैं तो वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ऊपर वाला जो एयर है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दबा रहा है नीचे वाले पोर्शन को, ठीक। तो यहाँ पर बोला है एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन का मतलब तो तुम्हें पता होगा, रिफ्रेक्शन किसे बोलते हैं? रिफ्रेक्शन जो लाइट को रिपल कर रहे, लाइट को क्या कह रहे, रिपल कर रहे, नहीं नहीं ऐसे समझो। यहाँ पर जब कोई लाइट या रे जो है और किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है तो वहां पर लाइट का जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब कोई लाइट या रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उस लाइट के जैसे यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए था वो, लेकिन वहां पर ऐसे चला जा रहा है इंटर करने के बाद। जैसे मान लो यहाँ पर लिक्विड है, बेंड हो जाता है। तो लाइट का बेंड हो जाना जब किसी मीडियम में इंटर करने के बाद अगर वो बेंड हो जाता है तो हम कहते हैं क्या, लाइट का रिफ्रेक्शन हुआ। और रिफ्रेक्शन क्या होता है, टकरा कर लौट जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है वो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रेक्शन एक होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। ओके तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ क्या, लाइट। मतलब लाइट यहाँ पर आया, किसी सरफेस पर टच आया, वहां से वो बाउंस बैक हो गया। और हमारे पास रिफ्रेक्शन क्या होता है, किसी मीडियम में वो इंटर करना चाहिए, ये नहीं कि दीवार है दीवार में इंटर कर जाएगा, दीवार में इंटर नहीं करता है। हमारे पास ट्रांसपेरेंट कोई मेटल हो सकता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ओके ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, या फिर ग्लास हो गया, या फिर हवा हो गया, ये हमारे लिए एक मीडियम होता है। पानी भी एक मीडियम है, हवा और पानी दोनों में, हवा जो है वो क्या होता है, ये कम इसका डेंसिटी जो है कम रहता है, ओके। और ये मीडियम जो है इसे बोलते हैं क्या, लाइटर मीडियम बोल सकते हो, हल्का होता है ये। और एक होता है डेंसर मीडियम होता है, जिसका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, वहां पर कम लाइट जो है, मतलब लाइट वहां पर जाता तो है लेकिन काफी स्लो हो जाता है, स्लो होने की वजह से वो ज्यादा मुड़ जाता है, ओके। इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर कि हमारे अर्थ चारों ओर एटमोस्फेयर है, तो इस एटमोस्फेयर की वजह से क्या क्या हमारे पास इफेक्ट देखने को मिलता है। पहली बात ये कि जो स्टार हमें ऊपर में दिखता है रात के समय में, दिन में तो समय में हमारे पास दिखेगा नहीं, क्यों ऐसा पता है तुम्हें? उसका लाइट सन की तरह, सन जब होता है ना, जैसे मान लो एक पास हो एक दूर हो, ओके तो पास वाला जलता रहेगा तो दूर वाला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट हमारे आंखों पर ज्यादा पड़ेगा इस वजह से। तो दिन में भी हमारे पास स्टार ऊपर में रहते हैं दिखेंगे, लेकिन सन को हटा देंगे तब, ओके तो सन काफी पास में उनका लाइट काफी ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो डिमिनिश हो जाते हैं, ओके खत्म, मतलब नहीं दिखाई देते हैं वो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रात के समय में हम लोग जिस स्टार को देखते हैं वो एक्चुअल में वहां पर वो रहता नहीं है, उसका पोजीशन हट जाता है, क्योंकि वहां से लाइट को आने में भी सालों लग जाते हैं, ओके 8 साल 2 साल 5 साल 10 साल लग जाता है वहां से लाइट को आने में। तो लड़तार हमें दिखता कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर स्टार था तो लड़तार वहां से रे भेज रहा है, लाइट यहाँ से भेज रहा है, ये मूव भी कर रहा है, लड़ता ये भेज भी रहा है, उसको रे आने में बहुत समय लगता है। हाँ, तो वहां पर जो स्टार दिखाई दे रहा है वो स्टार वहां पर एक्चुअल में है नहीं, वो कहां पर होगा, वहां पर लाइट लगातार भेजने के बाद ये आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि हम लोग भी तो मूव कर रहे हैं ना, ओके ये तुम मान लो यहाँ पर ये दिख रहा है स्टार, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास मान लो मशीन ऐसा मान लो काफी हाई स्पीड वाला कि वहां पर पहुंच जाए, तो वहां पर जाने पर जो मिलेगा नहीं, वो मुड़ जाता अपने डायरेक्शन से, वो आगे बढ़ जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जब ये जब वहां से लाइट आ रहा था कई सारे मीडियम से पास होते हुए आ रहा था, ओके कई सारे मीडियम से पास होते हुए आ रहा था, तो कई सारे मीडियम से जब वो पास हो रहा तो वहां पर रिफ्रेक्शन तो होगा, लाइट तो मुड़ेगा, मुड़ गया, पर सीमा यहाँ पर था और लाइट यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ना तब वो दिखाई देगा, यहाँ पर है तो यहाँ से जब आ रहा था इधर हमको दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ पर मुड़ गया,
तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो, ओके। तो यहाँ से ये देख रहा है यहाँ पर ना, तो उससे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो, जैसे पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख रहे यहाँ पर, एक्चुअल में वो है यहाँ पर, देखिए उसे दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि लाइट जो है हमें सीधा दिखाई देता है, जैसे लाइट यहाँ पर ऐसे मुड़ जाए, मुड़ कर आए तो हम जो देखेंगे उसको, तो उसे सीधा ही दिखाई देगा ना। तो ये मुड़ा हुआ लाइट जो है हमें यहाँ पर हम जब देखते हैं तो सीधा नजर आएगा, ओके, मतलब वो वर्चुअली दिखाई देता है, एक्चुअल में वहां पर है नहीं, ठीक है जी हाँ। तो ये तुम्हें पिक्चर में यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल है ये, और ये हमारे पास क्या अपेरेंट है ये, ओके। अपेरेंट कैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तिरछा ऐसे मुड़ गया है, यहाँ पर हम इधर देखेंगे तो इधर से हमारे पास आंख का जो पोजीशन है वो सीधा रेखा में हमारे पास जाएगा, ऐसा नहीं था आंख जो ऐसे मुड़ जाएगा, है ना ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन हो रहा है सन से, और या फिर स्टार से जो लाइट आता है उनका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से अपने खास पोजीशन पर वो दिखाई नहीं देते, किसी और पोजीशन पर दिखाई देते, वहां पर जाने पर हमें वो मिलेंगे नहीं, समझ में आ गया वो चीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, बोल रहा है एडवांस सनराइज, एडवांस सनराइज टाइम का मतलब सनराइज होने से पहले सन का दिखना, ये हमारे पास कहलाता है एडवांस सनराइज, सनराइज के होने से पहले ही सन का दिखाई देना, ये हमारे क्या कहलाता है, एडवांस सनराइज कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास टॉपिक है डिलेड क्या सनराइज, मतलब सनसेट हो चुका है, सन जा चुके हैं फिर भी वो दिखाई दे रहे हैं, ये होता है ये। तो ये भी किस फेनोमेन की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ओके। अब हम समझते हैं यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम जानते हैं यहाँ पर कि ये हम इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं और एटमॉस्फेयर के बाहर में कुछ भी है नहीं, सन का लाइट को बेंडिंग कर, बिल्कुल जब वो अंदर में रहता है ना, मतलब नीचे में रहता है, जैसे हमारे यहाँ इधर में हमारे पास ये इस डायरेक्शन है, पूरा डायरेक्शन है, तो वो मान लीजिए अंदर में है, मतलब नीचे है, हमें वो दिख नहीं रहे, अंदर में मतलब जमीन के अंदर नहीं है वो, उस डायरेक्शन में है, ओके, नीचे की तरफ है, हमें पास वो दिख नहीं रहे, लेकिन वहां से जब वो लाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वो मुड़ जाता है, यहाँ पर मान लो सन था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में इंटर किया, यहाँ से ये मुड़ गया, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो यहाँ से तो देख नहीं सकता, यहाँ पर जमीन है, तो यहाँ पर चूंकि मुड़ के आ रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, तब कहते हैं यहाँ पर इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है, और पता है कितना मिनट पहले ही दिखने लगता है, 2 मिनट पहले दिखने लगता है, ओके। सनराइज एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले यहाँ हमें सन जो है दिखाई देने लगते हैं, और डिले भी जो होता है हमारे पास सन डूब चुके होते हैं फिर भी 2 मिनट जो है ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रियल सनराइज और रियल सनसेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो 4 मिनट होता है, 4 मिनट इधर और 4 मिनट इधर, ओके। अब क्या होता है, मतलब 4 मिनट हमारे पास ये डिफरेंस नजर आता है, ओके, 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो समझ यहाँ पर क्यों हो रहा है, एक चीज और समझते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अब समझते हैं यहाँ पर कि दिन के समय में तो मुड़ता नहीं है, तो ये सुबह और शाम में क्यों मुड़ता है, तो यहाँ पता है यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सन से आने वाला जो लाइट है जो पूरब या फिर पश्चिम में रहता है तो काफी तिरछा आता है, तिरछा आने की वजह से वो एयर में जो ज्यादा ट्रेवल करता है, क्या बोले यहाँ पर, एयर में ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से वो ज्यादा मुड़ता है, लेकिन वही जब ऊपर रहते हैं ना वहां पर तो सीधा आता है, वहां पर सीधा जब आता है तो वो मुड़ता नहीं है। ऐसे मान लो यहाँ पर एक एक क्या था, एक ग्लास स्लैब था, तिरछा लेकर आएंगे ना तो वहां से रिफ्रैक्शन होगा, सीधा लेकर आएंगे तो वहां पर सीधा जाएगा, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्या बोले हैं, जब हमारे पास कोई स्लैब हो, सॉलिड हो हमारे पास, सीधा भेजेंगे तो सीधा निकल जाएगा, तिरछा डालेंगे तो वहां पर तिरछा चला जाएगा, वहां पर मुड़ जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन सीधी आते हुई वस्तु का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, सीधा आ रहा है, नॉर्मल पर आ रहा है, और नॉर्मल से आती हुई चीजें जो है वो सीधी निकल जाती है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा होगा, और मान लो ये सामने से आता है यहाँ पर तो सीधे आता, यहाँ पर देखो यहाँ पर कहाँ से, यहाँ से इंटर किया, यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया है, तब ना वहां पर इतना ट्रेवल किया, और यहाँ से सामने में होता तो इतना ही ट्रेवल करता, समझ लो, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये तुम्हें खुद से समझने होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एयर में ज्यादा वो कर रहा है, ज्यादा वो ट्रेवल कर रहा है, तो जब हम ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलते हैं ना तो वहां पर स्पीड हमारा कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाएगा, पेट्रोल यहाँ पर ज्यादा ले लेगा, तो वहां पर ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से वो ज्यादा मुड़ जाता है, और जब सीधा ऊपर आता है ना वहां पर ज्यादा मुड़ता नहीं, जहां पर है वो हमें दिख जाता है, लाइट भी ज्यादा आता है इस वजह से, ठीक है, ठीक है। तो दोपहर में हमारे पास कुछ भी इधर उधर नहीं होता, जब भी होता है तो सुबह में सामने,
हवा में ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से, नो प्रॉब्लम। ओके आगे बढ़ते हैं हमारे पास, यहाँ पर देख लेना, दो मिनट पहले यह दिखाई देने लगता है और दो मिनट ये डिले हो जाता है। डिले मतलब सनसेट हो चुका है फिर भी वो सन जो दिखता है, भले लाइट नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा लेकिन वो दिखेगा हल्का 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 जी हाँ। तुमने यहाँ पर सुना, यहाँ पर जब वो फ्रेश ऊपर में उड़ जाते हैं तो लाइट उनका लाइट आने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। कितना लग जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड मतलब लगभग 500 सेकंड, 68, 48, 480 और 20 ये मतलब 500 सेकंड लग जाता है। ओके क्यों ऐसा? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और हमारा लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर आवर है। डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है? 8 मिनट 20 सेकंड आता है, मतलब 500 सेकंड आता है। नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़े, अब हम लोग ठीक है आगे हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हैव यू एनी डाउट? यस नहीं। ओके स्कैटरिंग ऑफ लाइट पता है क्या होता है? लाइट का टूटना, बिखरना, बटना। ओके तो ये एचएल में है क्या? The interplay of light with objects around us give rise to several spectacular phenomena in nature. हमारे पास जब लाइट हमारे पास आसपास होता है ना तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। क्या क्या टोन टोन सा वो हमारे पास यहाँ पर समझते हैं ठीक। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, मतलब हमारे पास जो आकाश का कोई कलर होता नहीं है लेकिन लाइट ऐसा है ना तो उसकी वजह से हमें उसका कलर जो ब्लू नजर आने लगता है। ये समुद्र का वाटर का कलर कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें ब्लू नजर आता है। इन सब का रीजन है, क्या है वहां पर? रीजन है, उसी रीजन को हमें यहाँ पर समझना है ठीक है। ओके तो यहाँ पर समझते इस चीज को। यस 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 ठीक है। तो यहाँ पर आगे समझते हैं और यहाँ पर और भी रेडनिंग ऑफ द सन, सन एट सनराइज एंड द सनसेट। सूर्य जब उदय होता है, सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है उस समय सूर्य का रंग जो पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, वहां से भी लाल दिखाई देता है। ओके और जब ऊपर आता है ना तो पूरी तरह से व्हाइट दिखाई देता है, एकदम चकमक चकमक एकदम, हमें थोड़ा सा भी मतलब देख ही नहीं पाते दोपहर समय। इसी तो यहीं पर फाइनल करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास पहला हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास है बोल रहे क्या कि स्काई के कलर जो है वो ब्लू नजर क्यों आता है। ओके जब तुम दिन में देखोगे तो ब्लू नजर नहीं आएगा। ओके रीजन क्या होता है इसका? ब्लू में आता है ना, सॉरी जब वहां से आता है तो वहां पर थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कलर जो है बढ़ता नहीं है। लेकिन जब वो शुरुआत में रहता है, शुरू में, सुबह में और यहाँ पर शाम के समय में तो लाइट आता है तिरछा। लाइट क्या आता है? तिरछा। हमारे पास वही कलर पहुंच पाता है जिसका स्पीड ज्यादा हो, जिसका स्पीड कम होता है ना वो वहीं पर मुड़ जाता है। क्या बोले? वही पर मुड़ जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ज्यादा ज्यादा हवा में ट्रेवल करता है। इसको कोई बताया नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। ओके वहां पर हवा में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर हवा में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्शन तो होगा। रिफ्लेक्शन हो रहा तो वहां पर जो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर जिसका स्पीड कम है वो वहां पर मुड़ जाता है और जिसका स्पीड ज्यादा होता है वो हमारे पास पहुंच पाता है ठीक है। तो इसके वजह से जो है हमें जो ऐसा दिखाई देता है, इसके वजह से जब सुबह में दिखेगा ना पर तो एकदम नीला नजर आएगा क्योंकि वहां पर लाइट जो मुड़ गया है, लाइट मुड़ गया लेकिन रेड कलर हमारे पास मुड़ा नहीं है। उस कंडीशन में हमारे पास वो जो लाइट मुड़ा था वो हमारे पास ये नजर आ रहा है ब्लू का ब्लू, तो ये रेड हमारे पास जो आ रहा था उसकी वजह से वो रेड दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है वहां पर उसके पास रेड कलर का है। शाम के समय में भी इधर देखो ना ये बादल, ये बादल बादल के ऊपर मतलब ये जो हमारे पास आकाश रहेगा वो नीला दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन दिन में दोपहर देख लेना जरा तो वो ब्लू एकदम व्हाइट दिखाई देगा, एकदम पूरी तरह से व्हाइट। ओके आकाश का रंग नीला ट्रेन में जाता है वो तुम्हें समझ में आ गया। आकाश में जब हम ऊपर जाएंगे ना एटमोस्फेयर से जब हम ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर उसी का कलर जो है ब्लैक नजर आएगा। आकाश का कलर क्या होगा? ब्लैक नजर आएगा क्योंकि वहां पर एटमोस्फेयर है नहीं, एटमोस्फेयर है नहीं तो हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा नहीं, मुड़ेगा नहीं। ओके और ना ही वहां पर कलर में बटेगा। समझ में आ रहा है चीज? नो डाउट। ये तुम समझ आ रहे यहाँ पर कि आखिर में क्यों ये रेड रेडिश नजर आता है सुबह में और शाम में और दोपहर में ये आकाश रंग जो है हमारे पास नीला नजर नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हारे पास साइड में नीचे में वो दिख जाए, नीचे में दिख जाए। अब तुम कहो वहां पर ऑप्टा है, वहां पर नीचे में दिखा रहे हैं तो वहां पर इसलिए दिखा रहे हैं नीचे वाले पोर्शन में क्योंकि वहां पर जब लाइट हमारे पास में सीधा आ रहा है उधर और उधर तो तिरछा जा रहा है, तीसरा जाएगा तो वहां पर क्या होगा? लाइट का यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, बटेगा वहां पर, बटने की वजह से वो लाइट जो है यहाँ पर जाएगा ब्लू कलर
और सीधा जाएगा हमारे पास रेड कलर, तो वहां से हमें ब्लू नजर आता है, नीचे वाला साइड वाला ऊपर वाला नहीं। ये तुम समझ में आ गया?